हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विदिशाज क्रिएशंस। ये हम एक बिग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो कि एक गोंड आर्ट है। इसको कंप्लीट करना है। लास्ट वीडियो में हम एक चीज़ भूल गई थी मैं, टेल भी हमारी येलो है, उसी के अकॉर्डिंग हमको इसको कलर करना है। इसको सबसे पहले मैंने कलर कर दिया जिससे ये कल फिनिशिंग तक ये ड्राई हो जाए, हम इसके ऊपर कुछ वर्क कर सकें। चलिए, हम जो काम कर रहे थे वो था हमारा बॉडी का काम। अभी जो ये वाला काम है, यहाँ पे हम सिर्फ ऐसे ही सिंगल सिंगल डॉट्स देते हैं लाइंस में। हमने वहाँ पे ब्लॉक्स बनाए थे, इस पर हम ये लाइंस कर रहे हैं, लाइंस में डॉट्स ला रहे हैं। देख रहे हैं, वन बाई वन हमारी ये लाइन बन रही है और हम सिर्फ डॉट्स, आई एम पुटिंग द डॉट्स ओनली ऑन द लाइन। आप चाहिए तो पहले पेंसिल से वहाँ पर एक हल्की सी लाइन खींच लीजिए और उसके बाद इन डॉट्स को रख लीजिए। बट आई डोंट थिंक सो कि आपको पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इट इज़ ईजी वर्क। ओके, अब हम इसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे। लाइंस के अकॉर्डिंग हम उसमें नीचे आएंगे। ओके, ये हो गया हमारा इसका काम। अब हम आ रहे हैं इनके मेन वर्क पे। ये जो हमारा पूरा पैटर्न बना हुआ है उसको हम, सॉरी वो थोड़ा सा कैमरा मेरा डिस्टर्ब हो गया था, बट नाउ इट इज़ ओके। चलिए, येलो पे हमने ब्लैक डॉट्स दी, ठीक है। अब जो हम काम करने जा रहे हैं वो है हमारा, हम या तो ब्राउन कलर लेंगे या तो रेड कलर। चलिए रेड से दिखा देते हैं। रेड लेंगे, ज़ीरो नंबर की ब्रश आपको लेनी है, ठीक है। और आपको यहाँ पे सेंटर में जो आपका ये पॉइंट्स है, यहाँ सेंटर्स में आपको रेड डॉट देनी है ऐसे। ऐसे सिंपल सिंपल सी ऐसी एक, अगर आपके पास मंडाला टूल है तो आप उससे दे सकते हो, बहुत सिमेट्रिकल आता है। अगर आपके पास नहीं है देन यू कैन यूज ब्रश, नॉट एन इशू। इसके सेंटर में जहाँ से ये पार्ट शुरू हो रहा है वहाँ पे आपको ऐसे लाइंस देनी है। यहाँ पे ऐसे आपको लाइंस देते हुए आना है, ये देखिए। बहुत ज़्यादा किसी फिनिशिंग की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार आपने ब्रश में कलर लिया तो आप एटलीस्ट 7 to 8 or 10 इतने तो कवर कर ही लोगे। फिंगर पे आप ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज अगर फिंगर कहीं से लग गई तो वो आपका कलर स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे डॉट्स देते हुए आपको आगे आना है। ये देखिए, ऐसे आपको डॉट्स देने हैं सारे उन ब्लॉक्स में जो आपने डॉट्स के साथ पार्ट्स बनाए हैं, बॉक्सेस बनाए हैं। आपको ये रेड डॉट्स सब जगह देनी है। इवन आप ब्रश यूज़ करेंगे तो ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि आपको बार बार कलर लेने की ज़रूरत नहीं होगी। ब्रश में ऑलरेडी आपके कलर हैं तो आप उसी से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो कलर आप यूज़ करेंगे, सपोज़ आप एलिफेंट लॉयन बनाने के लिए आप कोई और कलर यूज़ कर रहे हैं, येलो एंड ऑरेंज कलर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, देन आप उसी के अकॉर्डिंग कोई कंट्रास्ट कलर का ये डॉट वर्क करिएगा। जैसे मैंने येलो पे रेड किया, अगर आपने सपोज़ येलो ऑकर लिया होता तो आप ब्राउन के साथ भी कर सकते थे, रेड के साथ भी कर सकते थे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि येलो पे येलो से आप करेंगे अच्छा नहीं लगेगा, रेड पे रेड से आप करेंगे गोंड का इफेक्ट नहीं आएगा। तो बेटर है कि आप चीज़ों को उसी के अकॉर्डिंग करिए। ये हमारा येलो वाला पोर्शन ऑलमोस्ट क्या कंप्लीट, ठीक है। अब ऑरेंज कलर आ रहे हैं। ऑरेंज कलर पे आप अगर कोई पैटर्न देना चाहते हो, आप कोई भी कलर दे सकते हो। पर्सनली जो मुझे पसंद आता है वो होता है वाइट कलर, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, गोंड आर्ट में एक बहुत अच्छा इफेक्ट लाता है। तो मैं ये वाइट कलर ऑरेंज पे डाल रही हूँ। देखिए,
व्हाइट कलर से बहुत अच्छा इफेक्ट आता है गोंड आर्ट में, किसी भी चीज़ के ओवरलैपिंग या डॉट्स के लिए या लाइंस के लिए आप व्हाइट कलर्स कैसे भी यूज़ कर सकते हो, गोंड आर्ट का बहुत बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। तो पर्सनली आई लाइक व्हाइट डॉट्स। आप कोई और कलर यूज़ कर सकते हो, जैसा कि मैं हमेशा कह रही हूँ गोंड आर्ट में आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो कलर्स ओवरलैपिंग के लिए, बट इट शुड बी ब्राइट, इट शुड बी यू नो जस्ट अच्छा होना चाहिए। कि देखिए ये हमारा ऑरेंज डॉट का काम भी कंप्लीट। ठीक है, ये हो गया। अभी जो करना है हमें, जो हम मेन काम करेंगे वो है हमारा लाइन वर्क, जो कि हमें ऐसे सिल्वर या वाइट कलर से देनी है। तो हमेशा की तरह मैं वाइट पेन यूज़ करूँगी, आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, पेन भी यूज़ कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। या अगर आपके पास सिल्वर पेन है, जैसे ये देखिए मेरे पास सिल्वर पेन है, तो मैं यहाँ पे सिल्वर पेन यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट मे बी आपके साथ नहीं होंगी तो आप ब्रश के साथ भी ये काम कर सकते हो। चलिए मैं ब्रश के साथ ही दिखा दूँ, दैट विल बी ओके फॉर ऑल ऑफ यू। तो मैंने ये लिया सिल्वर कलर, जैसे मैंने डॉट्स किए थे उसी के अकॉर्डिंग मैं ये लाइंस भी करूँगी। ये देखिए जस्ट आपको ऐसे पतली पतली सी लाइंस, ठीक है, ऐसे बनानी। अगर आप इस पे चाहिए कोई और कलर यूज़ करना वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं ब्राउन भी कर सकती थी, ब्लू भी कर सकती थी, ज़्यादा अच्छा दिखता, बट ये ग्लो इफेक्ट आएगा जो मैं आपको बाद में फिनिशिंग के बाद दिखाऊंगी, जिसकी वजह से जब आप कोई बड़ी पिक्चर्स बनाते हो तो आप उसमें कलर्स के वेरिएशन डालते हो। ये एक सब्जेक्ट नहीं पकड़ा था, ये एक पिक्चर मैंने पकड़ी जो कि एक आर्ट पीस की तरह बनेगी। आप इसको कैनवस पे भी बना सकते हो, तो जब आप इसको वॉल पे पुट करोगे तो वो एक अलग सी शाइनिंग, एक ग्लो आएगा जो इस पेंटिंग को बहुत ही अच्छा इफेक्ट देगा। ये देखिए जो सिल्वर कलर है, ये देखिए जो सिल्वर कलर है वो आपका चमक रहा है, ये देख रहे हैं आप इसकी शाइनिंग, यही इफेक्ट मैं चाह रही थी अपने इस पेंटिंग में, दैट्स वाई आई एम यूजिंग सिल्वर कलर। ओके चलिए अभी हमारी इसकी फिनिशिंग बची है, तब तक हम थोड़ा ट्री पे काम करेंगे। ट्री पे काम करने के लिए हमें देखिए पहला तो ये वाला था, आपने पहले भी किया है, आपने ट्री को ऐसे ये गोंड का बहुत स्पेशल एंड टिपिकल ये हो गया। ब्राउन को आप इसी, सॉरी इधर गिला है, मैं थोड़ा सा अपनी स्केचबुक को, ब्राउन कलर को आप इसी तरह से करिए। ग्रीन के लिए मैं आपको अलग ट्रिक बताती हूँ। ये हो गया, यहाँ पे ब्राउन में आएंगे हम। मैं इसको ऐसे पलट लेती हूँ जिससे मुझे इजी हो जाए और हमारी कलर ना खराब हो। ठीक है, पहला काम तो आप इसको पहले प्रॉपर फिनिशिंग देंगे। इसी तरह से यहाँ भी फिनिशिंग आएगी। ठीक है, ब्राउन कलर की फिनिशिंग खत्म। अब हम आते हैं अपने ग्रीन कलर की फिनिशिंग पे। ओके, आपको
पूरा दिख रहा है। यस, पहले तो आप ये लाइंस इस तरह से फिनिशिंग दीजिए। ठीक है, अभी आप यहाँ पे जस्ट ऐसी लाइंस बनाएंगे विद ब्लैक कलर। ठीक है, ये पूरे ग्रीन कलर में। इसी तरह से आपको ग्रीन पोर्शन कंप्लीट करना है। ये हो गया हमारा ट्री का मेन ब्रांच कंप्लीट। अब या तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के साथ हम इसकी लीफ दें, या तो हम आपको जैसे मैंने ट्री पहले वाले पोर्शन में बताया था वैसा भी हम कर सकते हैं, बट मैं आपको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर से बताऊंगी कैसे आप इस ट्री को सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर से, हालांकि शायद मैंने लास्ट उसमें आपको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट से भी बताया हुआ है, बट मैं आपको ट्री का एक और पैटर्न बताऊँगी। ये आपने कर दिया, इसको पर्पल कलर से थोड़ा डिफरेंट कलर यूज़ किया। ठीक है, ये आपका हो गया फ्लावर। जो ट्री नहीं बनाया है वही ट्री इसमें करके मैं बताऊंगी, जैसे आपको एक डिफरेंट टाइप की ट्री के बारे में पता लगे। ये हमारा हो गया इसको, ठीक है ऐसे। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें जस्ट वन टू वन टू वन ऐसे करके कुछ चीज़ें बनानी है। चीज़ें मीन्स कह रही हूँ मैं, आपको पैटर्न बनाना है ट्री को ड्रॉ करने के लिए। आप इसकी बंचेस बना सकते हैं ऐसे, ठीक है, और ऐसे करके ये आप यहाँ से इसकी बंच ऑफ लीव्स कर सकते हैं। ये एक अलग पैटर्न है गोंड आर्ट के ट्री का, ये देखिए ऐसे। ठीक है, अब आपने यहाँ करना है जहाँ भी आपको करने का मन है, बट आपको बंचेज में करना है। ये देख रहे हैं ऐसे, ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप की आपकी ट्री बन गई जो मैं आपको बताना चाह रही थी। और इसको आप सिर्फ ब्लैक कलर में भी रख सकते हैं, आप इसको कलर भी कर सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। मैं आपको ब्लैक एंड वाइट में दिखाऊंगी, जिससे क्योंकि हमारा जो ब्रांच और ट्री है वो बहुत कलरफुल है, इसको हम ब्लैक एंड वाइट में रखेंगे। ठीक है, ऐसे जहाँ जहाँ भी जगह है आपको जहाँ जहाँ बनाना है आप वहाँ पे अपने इन बंचेस को डाल सकते हैं। ये एक डिफरेंट पैटर्न है गोंड आर्ट में ट्री को बनाने का। आपको ठीक है ऐसे यहाँ पे अभी भी आप कुछ निकाल सकते हैं, यहाँ भी कुछ बंचेस बना सकते हैं। ये देखिए ऐसे बन गई। अब इसके बाद आपको अंदर इसमें एक लाइन देनी है। ये देख रहे हैं, अब आपके ऊपर है कि आप लाइन देते देते बनाना चाहते हैं अपनी हर एक लीफ को, या आप पहले लीफ बना के फिल लाइन दे सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। ठीक है, ये देखिए ये देखिए डिफरेंस, देखिए लाइंस के साथ विदाउट लाइंस के साथ, आपको जैसा अच्छा लगे आप बनाइए, ये टोटली आपके ऊपर है।
देखिए सारी लाइंस को आप देंगे सारे लीफ के अंदर, और अगर आप इसको कलर करते हैं जैसा कि मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमारा ये कलरफुल है और इस लीफ को हमें ब्लैक एंड वाइट रखना है बैलेंस करने के लिए, अगर आप इसको कलर भी करना चाहिए तो सेम मेथड के साथ, ग्रीन के साथ आप ब्लैक लाइन या ग्रीन के साथ आप डार्क ग्रीन लाइन ऐसे आप दे सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है कि आपको कैसे करना है। अभी जो हमारा आ रहा है वो है हमारी बर्ड, जो हमने बोला था आपसे कि हम इसको ब्लैक एंड वाइट कलर में बनाएंगे, ठीक है। तो ब्लैक एंड वाइट में बनाने के लिए हमें इसकी बॉडी, चलिए हम ब्लैक एंड वाइट में रखते हैं और इसके विंग्स को हम कलरफुल बनाते हैं, ठीक है। पहले हम बॉडी पे वर्क करेंगे, ठीक है। अभी हम इसको हमने ऐसे डिवाइड कर दिया टू टू लाइंस की हेल्प से और हम इस पर कलर फिल करेंगे। कलर में बर्ड है, बहुत ही ब्राइट कलर से होगी, आप किसी भी कलर से बना सकते हो, बर्ड का कलर आप खुद चूज कर सकते हो। मैं यहाँ ले रही हूँ रेड कलर, आज ये सेशन हमारा जो है ये हमारी बर्ड रेडी है। अब हम इसमें करेंगे फिनिशिंग, यहाँ देंगे छोटे छोटे से सर्कल्स, ठीक है, और इस पे हम देंगे ऐसी लाइंस। टेल पे भी हम वर्क करेंगे, बीच में हम ये दो लाइंस देंगे एंड जस्ट वी विल डिवाइड इनटू लाइंस, ओके। ये हमारा एक पिक्चर कंप्लीट हो गई जिसमें टाइगर है जो बहुत ही रेयर दिखता है वैसे गोंड आर्ट में। इसके बाद मैं आप लोगों को एक एलिफेंट और कर कराऊंगी और हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय।